Hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah. धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर धन्यवाद और महिमा और आदर के साथ राजा यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके करीब आते हैं, आपके चरणों में आते हैं। और पिता परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता आप महान और जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद और महिमा के साथ आपके चरणों में आकर प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुबह से लेकर अभी तक संभाला, रक्षा किया, जीवित रखा, बल चंगा रखा, स्वस्थ रखा। इसलिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा और आपके नाम की स्तुति करते, क्योंकि आप महान और जीवित हैं। पिता परमेश्वर हर एक्सीडेंट इंसिडेंट से बचाया, हर कार्यों में आपने हमें सफलता दी। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की महिमा और आपके नाम की स्तुति करते हैं खुदा, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं खुदा, हम आपके नाम की जयकार करते हैं खुदा, क्योंकि आप जीवित खुदा हैं, आप जीवित खुदा हैं, आप भेयोग्य खुदा हैं। हर खतरों और हर मुसीबतों से छुड़ाने वाले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय अपने बिस्तर में जाने से पहले खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, क्योंकि वो जीवित खुदा है, वो सामर्थ्य खुदा है, वो भेयोग्य खुदा है, वो सर्वशक्तिमान और सर्वश्रेष्ठ खुदा है। इसलिए उसका धन्यवाद करें, उसके नाम की जयकार करें। प्रज लॉर्ड प्रज लॉर्ड प्रज लॉर्ड। मेरे प्रिय, जो कोई उससे प्रेम करता है, जो कोई उसके करीब जाता है, प्रभु उसे सारे संकटों से छुड़ाता है, सारे मुश्किलों से, सब प्रकार की परेशानियों से, सब प्रकार के तकलीफों से उसे छुड़ाता है। क्योंकि प्रभु कहते हैं, क्योंकि उसने जो मुझसे इसने किया, इसलिए संकट में मैं उसके संग रहकर उसे छुड़ाऊंगा, बचाऊंगा और उसे मैं ऊंचे स्थान पर रखूंगा। सचमुच में मेरे प्रियो, उसने मुझसे जो प्रेम किया, उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए छुड़ाऊंगा, ऐसा लिखा है। मेरे प्रियो, जो कोई उससे प्रेम करता है, उसके करीब जाता है, उसके नजदीक में रहता है, उसके करीब में रहता है, प्रभु सचमुच में उसे छुड़ाता है, बचाता है। चाहे वो संकट में हो, चाहे वो मुश्किलों क्यों ना हो, मुसीबतें क्यों ना हो, तकलीफ ही क्यों ना हो, परमेश्वर पिता उसे छुड़ाता है, बचाता है। मेरे प्रिय, आपको पता है दाऊद खुदा के करीब रहता था, दाऊद खुदा के नजदीक में रहता था, इसलिए वो कह पाया कि चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरता, क्योंकि खुदा मेरे साथ चलता है, वो मुझे छुड़ाता है, वो मुझे बचाता है, वो मुझे संकट से और सिंह के मुंह से मुझे छुड़ाकर मुझे बचाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ऐसे पिता का धन्यवाद करें, ऐसे खुदा का धन्यवाद करें, ऐसे प्रेमी पिता का धन्यवाद करें, जिसने मुझे और आपको छुड़ाया, बचाया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदा रबा नाला राथी नाला रबा रिका नाला राथी नाला रा रा रबा शंदा राधा नाला रा दबा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उसके नाम की जयकार करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की महिमा करें। वो संकट से छुड़ाएगा, वो संकट से बचाएगा, वो संकट से दूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है हमारे चारों ओर ऐसे संकट होंगे, मुसीबतें होंगी, तकलीफें होंगी, लेकिन प्रभु के करीब रहिए, प्रभु के करीब रहिए, प्रभु के करीब रहिए, प्रभु के नजदीक में रहिए, प्रभु आपको संकट से छुड़ाएगा, मुसीबतों से छुड़ाएगा, तकलीफों से छुड़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रबा संदा रबा न लरा थी न लरा। पवित्र आत्मा में भर जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ में भर जाए, पवित्र आत्मा के अभिषेक में भर जाए। मेरे प्रियो, उससे प्रार्थना करें, उसके करीब रहे, प्रभु आपको छुड़ाएगा, बचाएगा और आपकी महिमा को बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं।
मेरा परमेश्वर, संध्याकालीन में आपने हमें संभाला, रक्षा किया, आपके चरणों में बैठने के लिए मौका दिया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा और आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते। प्रभु तुझ संकट से छुड़ाएगा तेरे लोगों को, मुसीबतों से छुड़ाएगा तेरे लोगों को, तकलीफों से छुड़ाएगा तेरे लोगों को, संकट से छुड़ाकर तू उन्हें ऊंचे स्थान पर रखेगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, मेरे स्वामी। आज जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उन्हें पवित्र आत्मा से भर दे, अभिषेक से भर दे, सामर्थ से भर दे, पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दे, और आपकी महिमा के बादल उन्हें घेर, उन्हें फाए। राबा संदा राबा रिखा नाला रा रा राबा, कोई भी मरकट नरक में ना जाए प्रभु, कोई भी मरकट नरक में अधोलोक में ना जाए प्रभु, यीशु के नाम से सभी तेरे करीब रहे प्रभु, और आप उन्हें छुड़ा सकें, आप उन्हें बचा सकें खुदा। पिता परमेश्वर आज जितने भी संकट में, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, बीमारी के हालत में हैं, गरीबी के हालत में हैं, चिंताओं में हैं, वो पिता मुसीबतों में हैं, प्रभु यीशु के नाम से हम तेरे करीब लाते हैं और उन्हें छुड़ा बचा, उनकी महिमा को बड़ा। परमेश्वर तेरे लोग कभी संकट में नहीं रह सकते, तेरे लोग कभी मुश्किलों में नहीं रह सकते, तेरे लोग कभी क्लेश में नहीं रह सकते। प्रभु उन्हें छुड़ाएगा, बचाएगा, उनकी महिमा को बढ़ाएगा खुदा। प्रेज द लॉर्ड। आज जितने भी हॉस्पिटल में, आईसीयू में है प्रभु, कोमा में है परमेश्वर पिता, उन्हें छूले उठाकर खड़ा कर परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो बेड पर है कई सालों से उठ नहीं पा रहे प्रभु, जिनकी अस्थमा की बीमारी है, जिनको पिता परमेश्वर थायराइड है, जिनके बवासीर है, जिनको शुगर है, जिनको HIV एड्स है, जिनको कैंसर है पिता परमेश्वर, जिनको मिर्गी की बीमारी है पिता परमेश्वर, उन्हें छूले 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 यीशु के नाम में छूले, और छंगाई 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 दे परमेश्वर पिता, उठाकर खड़ा कर। जिनको पैरालिसिस है प्रभु यीशु के नाम में उठाकर खड़ा कर, जिनके लीवर खराब है यीशु के नाम से स्वस्थ हो जाए, जिनकी किडनियां खराब है यीशु के नाम से स्वस्थ हो जाए, जिनकी रीढ़ की हड्डी खराब है यीशु के नाम से स्वस्थ हो जाए यीशु के नाम से। राबा शंदा राबा नला रा दादा दा नला रा दबा ला रा दबा रिखा नला रा थी नला रा दादा बा नला रा दबा बा 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 नला रा थी, यीशु के नाम से संकट से छूट जाए, मुश्किलों से छूट जाए, तू छुड़ा ले परमेश्वर पिता यीशु के नाम से। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, तूने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। आज पिता परमेश्वर उठ खड़े होने के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, जो बेड पर है उठ खड़े होने के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके बिस्तरों को पलट दे परमेश्वर पिता यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ उन फ्रियों के लिए जिनके पास कोई औलाद नहीं है प्रभु, रहम कर प्रभु, दया कर प्रभु यीशु के नाम से, उनके कोख को खोल दे प्रभु, तेरी ओर से आशीष मिलने पाए, तेरी ओर से पिता दान मिलने पाए प्रभु यीशु के नाम से, आशीषित कर और उन्हें वंश उत्पन्न हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। यदि कोई गुप्त रोग है तो प्रभु यीशु के नाम से गुप्त बीमारी खत्म हो जाए और उनकी गोद भर जाए परमेश्वर पिता यीशु के नाम से। उन बहनों को छू ले परमेश्वर यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। जिन बहनों को प्रेगनेंसी है प्रभु यीशु के नाम से आशीषित कीजिए, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, जब तक डिलीवरी ना हो जाए परमेश्वर तू स्वस्थ रखिए और नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करते हैं राजा। पिता परमेश्वर अनाथ और विधवाओं का आप स्वामी है, उनकी सुधी ले परमेश्वर, उनकी मदद कर परमेश्वर, ने संकट से, मुसीबतों से, तकलीफों से छुड़ा, मुसीबतें निकल जाए, खत्म हो जाए, टेंशन यीशु के नाम से दूर होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, तूने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते परमेश्वर पिता, जिनके पास कोई जॉब नहीं है प्रभु, आप दया करें, रहम करें, आशीषित करें और उनका जॉब में उनका सिलेक्शन हो यीशु के नाम से। परमेश्वर जितने भी जॉब का एग्जाम्स चल रहा है प्रभु यीशु के नाम से आशीषित करें और पास कीजिए प्रभु, किसी भी हालत में तेरे बच्चों को पास कीजिए, सिलेक्शन हो जाए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना पिता परमेश्वर। जितने भी जॉब कर रहे हैं प्रभु, उनका प्रमोशन हो परमेश्वर, किसी भी हालत में उनका प्रमोशन हो परमेश्वर यीशु के नाम से। और जितने बिजनेस कर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से, उनका बिजनेस विस्तार में बढ़ता जाए, उनकी सारी चिंताओं को दूर कीजिए प्रभु, उनके
कर्ज को खत्म कीजिए और उनका बिजनेस बढ़ने के लिए प्रार्थना करता हूँ। विशेष करके पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हैं प्रभु जिनके चल रहे हैं, परमेश्वर पिता यीशु के नाम से ज्ञान बुद्धि समझ पवित्र आत्मा दे उन बच्चों को, ज्ञान और बुद्धि दे परमेश्वर। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे अच्छे नंबरों से पास कीजिए, टॉपर कीजिए, टॉपर कीजिए प्रभु यीशु के नाम से टॉपर कीजिए परमेश्वर, आशीषित करें उनका सुनहरा भविष्य होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं, सब बातें आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपकी महिमा, प्रभु आपकी महिमा, पिता आपके नाम की जयकार हो। उन परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिन परिवारों में क्लेश संकट मुसीबतें हैं प्रभु यीशु के नाम से सारे संकट सारी मुसीबतें दूर होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आशीषित करें प्रभु यीशु के नाम से आशीषित करें। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ प्रभु जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े होते हैं, जिन परिवारों में नशा होता है, जिन परिवारों में पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर उन परिवारों को छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, और जिन परिवारों में पिता परमेश्वर नशा करके एक दूसरे को मारते कूटते हैं प्रभु यीशु के नाम से नशा छूटने के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्लेश और संकट खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जिन परिवारों में पिता परमेश्वर पति पत्नी लड़ाई झगड़े करते हैं और अलग अलग प्रभु यीशु के नाम से पति पत्नियों के बीच के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए और उनके बीच की दूरियां खत्म हो जाए, वो साथ में रहे, एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे का आदर करने वाले बन जाए। हां राजा, हां पिता, हां स्वामी, तूने प्रार्थनाओं को सुन लिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं, सब बातें आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, आपकी महिमा यीशु मसीह आपके नाम की स्तुति हो। हां राजा, हां पिता, हां स्वामी, तूने प्रार्थनाओं को सुन लिया, धन्यवाद। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते परमेश्वर पिता, हमारे किसान भाई बहनों को आशीषित कर प्रभु, हमारे किसान भाई बहनों की गरीबी दूर हो जाए, उन्हें संकट से मुसीबतों से छुड़ा, सब प्रकार के कर्ज यीशु के नाम से दूर होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरे बेटा बेटियों को ऊंचा उठा, तेरे बेटा बेटियों को ऊंचा उठा परमेश्वर यीशु के नाम से, सब प्रकार के क्लेश खत्म हो जाए, धन्यवाद खुदा। तूने प्रार्थनाओं को सुना, हमारे जीवन दे प्राण आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, जितने भी घर बना रहे उन्हें आशीषित कर परमेश्वर, इस रात्रि को तेरे हाथों में सौंप देता हूं, सपनों दर्शन से बातचीत कर, तेरे लोगों को तो आशीषित कर, जितने भी जवान हो चुके उनका विवाह होने पाए यीशु के नाम से, सही समय पर विवाह हो, जितने भी तेरे दास और दासी उन्हें हिम्मत की आत्मा दे, सामर्थ की आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे और सेवकाई में ऊंचा उठा। हां राजा, हां पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। के साथ ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अब्दी नाम से मांगते हैं, आमेन। जो कोई प्रभु पर विश्वास करेगा परमेश्वर उसे छुटकारा देगा और सारे संकट से बचाएगा। प्रभु में खुश रहें, आनंदित रहें, सबको जय मसीह की।